हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेकर आया हूँ 2 नवंबर आईएलटीएस एग्जाम की। सो अगर आपका भी एग्जाम है उस दिन, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल मेंशन सम इम्पॉर्टेंट रीडिंग पैसेजेस और साथ ही आपको राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 दोनों की स्टेटमेंट्स भी बताऊंगा, जिसमें से आपको एग्जाम रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है। इन प्रीवियस एग्जाम प्रेडिक्शन वॉज कम्प्लीटली हिट। आपको रीडिंग पैसेज 3 मेरी ही प्रेडिक्शन वीडियो में से देखने को मिला, व्हाट मेक्स अ म्यूजिकल एक्सपर्ट। और मैंने साफ तौर पे आपको प्रेडिक्शन में बोला था कि थर्ड पैसेज रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम लग रहे हैं मुझे। आप चाहें तो जाके वीडियो सुन सकते हैं। और सेम पैसेज 14 के 14 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हुए। ये पैसेज मैंने अपलोड भी करा था इसी चैनल पे, एग्जाम रीडिंग पैसेजेस वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ पे रियल एग्जाम पैसेजेस मैं डालता हूँ। सो वहीं से आपको सेम पैसेज रिपीट हुआ, इवन पैसेज 1 भी आपको मेरी बुक में सही देखने को मिला। सो जिन्होंने तो वीडियो देखी थी उनके 14 क्वेश्चन करेक्ट हुए, और सोचिए जिन्होंने मेरे से बुक्स भी बाय करी थी उनके 27 क्वेश्चन सेम एज इट इज एग्जाम में आ गए। हिस्ट्री ऑफ केक्स एट वेडिंग्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं थे, सारे क्वेश्चन सेम थे। सो 2 पैसेजेस एग्जाम में रिपीट हुए, आपको मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बता रखे थे। इवन जो राइटिंग टास्क 2 था वो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर विद सैम्पल आंसर अपलोड कर रखा था, और इसको मैंने स्पेशली पिन किया था। सो जिन स्टूडेंट्स ने ये भी देखा था उनका एग्जाम पूरा राइटिंग मॉड्यूल रीडिंग लिसनिंग सब बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन टाइप भी एज पर एक्सपेक्टेशन ही थे, लेवल भी वही था जो मैंने आपको बताया था। सो मेक श्योर कि आप मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो जरूर करें, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैं डालता रहता हूँ। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पिछले अगर आप 3 एग्जाम उठा के देखें, 5th अक्टूबर, 10th एंड 19th वाला भी, उसमें कंप्लीट पूरा राइटिंग मॉड्यूल आपको मेरी ही बुक से रिपीट हुआ था। सो आने वाले एग्जाम में भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो भी मैंने बुक्स बनाई हैं, जो कि आईडीपी के क्वेश्चन बैंक से ही बनाई है मैंने पास्ट एग्जाम वाले, और उसमें से बार बार वो रिपीट करते रहेंगे। नाउ लेट्स सी कि टास्क 1 इस बार आपको क्या देखने को मिल सकता है। सिर्फ अकेडमिक स्टूडेंट्स का एग्जाम है। टास्क 1 में आपको लाइन चार्ट या फिर टेबल, इन दोनों में से एक आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। आपने प्रैक्टिस करने हैं लाइन टेबल एंड बार चार्ट। टास्क 2 अगर ऐसे की बात करूं तो आपको वंस अगेन एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एंड या फिर आपका डिस्कस बोथ वेज गिव योर ओपिनियन टाइप क्वेश्चन होगा। इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स में से आपको एक देखने को जरूर एग्जाम में मिल सकती है। टॉपिक्स जो आपने कवर करने हैं उसमें आपका एजुकेशन मेन रहेगा। इसमें आपका हो सकता है कि गवर्नमेंट को साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेंडिंग करनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सिर्फ थ्योरी वाले कोर्स नहीं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे आपका क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड हॉट टॉपिक वुड बी मीडिया। अब मीडिया में आपका आता है न्यूज़पेपर, चाहे वो डिजिटल का कंपैरिजन करें प्रिंटेड वाले से, या फिर वो बोल सकते हैं कि बुक्स की जरूरत नहीं है, इंटरनेट ऑनलाइन सब मिल जाता है, राइट? या फिर रेडियो एंड टेलीविजन, इनका कंपैरिजन हो सकता है आपके स्टेटमेंट में। थर्ड टॉपिक वुड बी फैमिली एंड चिल्ड्रन। इसमें आपका आ सकता है कि पेरेंटल रूल्स, क्या हमको रूल्स लगाने चाहिए बच्चों के ऊपर, थोड़ी सी ओबे करनी चाहिए रूल्स, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं आपके। दीज आर सम ऑफ दी क्वेश्चंस जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो बुक्स हैं उसमें से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन प्रेडिक्शन वीडियो में नहीं डालता हूँ, 2 या 3 डालूंगा, सारे मैं डाल भी नहीं सकता हूँ, अदरवाइज वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है? सो जिसको भी बुक्स चाहिए होगी मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, अभी मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें से अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये रेडियो वाला भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कंपैरिजन हो सकता है आपका रेडियो और टेलीविजन का, डिस्कस बोथ विद योर ओपिनियन, और ये मैंने वोकेशनल स्किल्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वाला बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप इनमें से देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन करना हुआ तो ये वाला केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, पेरेंटल कोर्स उनको लेने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर देखें तो मैंने अभी आपको बताया ग्रैंड पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। आगे चलें तो आपके लिए इनमें से ये प्रिंटेड बुक्स वाला बताया था मैंने, मैगजीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड अगर मुश्किल डालना हुआ तो रोबोट्स के रिलेटेड डालेंगे, ये जो थर्ड नंबर वाला है, ठीक है? इनको आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। माइंड इट की ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स नहीं है मेरी बुक में से, रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, सेम क्वेश्चन एग्जाम में बुक से ही आती है, बट वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है? लेट्स सी टास्क 1। टास्क 1 में आपको टेबल चार्ट और लाइन, मैंने बोला यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है?
टेबल चार्ट में आपका ये वाला हाउसिंग प्राइसेस वाला रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर बाय चांस डायग्राम आना हुआ, वैसे तो बहुत कम आता है डायग्राम, प्रोसेस वाला, तो सॉफ्ट चीज मेकिंग वाला हो गया आपका। उसके बाद आपका ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन फाइव पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिस कटिंग टूल्स एंशियंट टूल वाला डायग्राम है आपका। ठीक है, या सो दिस वॉज योर राइटिंग मॉड्यूल। अब आते हैं रीडिंग पे। सो रीडिंग थोड़ी इस एग्जाम में मॉडरेट टू, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, लाइक हार्ड नहीं होगा बट मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है, पिछला एग्जाम बहुत इजी था एज पर एक्सपेक्टेशन था वो। इस बार का एग्जाम आपका मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट हो सकता है। पैसेज वन में आपके क्वेश्चन टाइप वैसे तो ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स आती हैं, बट आई थिंक इस बार आपको मैचिंग देखने को मिल सकता है पैसेज वन में। पैसेज टू की अगर बात करें तो आपको आएंगे तीन चार ब्लैंक्स होंगी, साथ में होंगे विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड क्वेश्चन टाइप विल बी लिस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, मैच करने होंगे। थर्ड पैसेज में आपके क्वेश्चन टाइप रहने वाले हैं यस नो नॉट गिवन, उसके बाद आपके हेडिंग्स हो सकते हैं और साथ में आपका सेंटेंस एंडिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ पैसेज हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, टर्माइट माउंट्स, आगे चलें तो हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन, मलेरिया कॉम्बैट इन इटली, आगे देखते हैं सैंड ड्यून्स, लिविंग ड्यून्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और आगे चलें तो एंशियंट स्टोरी टेलिंग, दीज दीज पैसेजेस आर इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर नेक्स्ट एग्जाम इज कंसर्न। इनको आप प्रैक्टिस करिए। एंड कुछ एक्सक्लूसिव पैसेज मेरी बुक्स में होते हैं, वो मैं यहाँ नहीं बताता हूँ। सो वो तीनों बुक्स आपको साथ में मिलेंगी, जैसे मैंने बताया मैंने रीडिंग लिसनिंग राइटिंग की बुक्स साथ में बना रखी हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको यहीं से एग्जाम आता है, और हर वीडियो में आपको मैं दिखा भी देता हूँ। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के पास मेरी बुक्स हैं जिन्होंने ली हैं, उनको मालूम है किस एग्जाम में क्या रिपीट हुआ है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, और उनके एग्जाम में आया भी है। आपने कल का एग्जाम देखा, बहुत खुश थे स्टूडेंट्स, दो पैसेजेस आ गए, उन्होंने राइटिंग टास्क भी कर रखा था एंड लिसनिंग वॉज वेरी इजी। सो सोचिए उनके 7 बैंड्स तो इजीली आ ही जाएंगे, होपफुली आपके भी आएंगे जिन्होंने वीडियो देखी थी और थर्ड पैसेज किया था। सो 14 क्वेश्चन सही होना कोई छोटी बात नहीं होती, एग्जैक्टली सेम आ जाए एग्जाम में, सो इट्स अ बिग थिंग। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिसनिंग मॉड्यूल पे आते हैं आपका। लिसनिंग आपकी रहेगी इजी, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। पार्ट वन नोट्स कंप्लीशन रहेगा, इट कुड बी बेस्ड ऑन एनी इवेंट बुकिंग के ऊपर हो सकता है, कोई इवेंट होगा या फिर कोई आपका टूर या ट्रिप हो सकती है। ठीक है, पार्ट टू में आपके आएंगे एमसीक्यूज प्लस मैथ। ठीक है, पार्ट थ्री और फोर में आपकी थोड़ी फ्लुएंसी ज़्यादा रहेगी, सो मेक श्योर कि 1.25 की स्पीड से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, लॉन्ग एमसीक्यूज प्लस बॉक्स मैचिंग रहेगी पार्ट थ्री का। पार्ट फोर लेक्चर रहेगा, किसी एनिमल की सेंसेस के ऊपर हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी एंशियंट आर्टिफैक्ट या कोई स्किल या फिर कल्चरल हेरिटेज के ऊपर हो सकता है। ठीक है, एंड दीज आर द लिसनिंग सेक्शंस जो कि आपने प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आपका रीजनल पार्क वाला मैप आ गया। ठीक है, पार्ट वन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आएगा आपका ये वाला जॉब इंक्वायरी। पार्ट फोर में फोटिक स्नीजिंग है, ठीक, उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल, राइट। पार्ट वन में कम्युनिटी सेंटर क्लासेस क्लासेस हो सकती हैं आपके, एनरोल करना होगा। पार्ट टू में आपका ये वाला आएगा बिकमिंग अ मिलियनेयर। ठीक है, और ये सारी लिसनिंग्स, बीचन फेस्टिवल वाला रिसेंटली आपका आया था उज्बेकिस्तान में, पॉसिबिलिटी इंडिया में भी रिपीट हो जाए। ठीक है, सो चेक कर लेना, और ये लिसनिंग सारी आपको मेरे लिसनिंग चैनल पे मिल जाएंगी। लिसनिंग फॉर आयल्स यहाँ पे सारी अपलोड कर रखी है, रीजनल पार्क वाली कल ही डाली थी मैंने। ठीक है, इसको आप देख लेना, प्रैक्टिस करिए यहाँ से, मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी लिसनिंग रिपीट हो चुकी हैं। ऑलरेडी ऑन जैक्सन आइलैंड का सेकेंड पार्ट आया था, उससे पहले भी बहुत सारी लिसनिंग आ चुकी है एग्जाम में, सेलिंग कोर्सेज, स्विमिंग लेसन्स, सो यहाँ से प्रैक्टिस किया करें। दीज आर ऑल रियल एग्जाम लिसनिंग्स, कोई कैम्ब्रिज नहीं है, कोई दूसरी वेबसाइट से नहीं है, दीज आर ऑल रियल एग्जाम लिसनिंग टेस्ट। ठीक है, एंड मेन चैनल आपको मालूम ही है, यहाँ भी आप सब्सक्राइब करें इसको। आपके लिए एक टारगेट रहेगा, 8K सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे बाय दी एंड ऑफ नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, आई होप आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं जहाँ पे आपको कंप्लीट रीडिंग पैसेज अपलोड किए हो और बताया हो पर्टिकुलरली प्रिडिक्शन में कि इस पैसेज को आप ज़रूर करिएगा, आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें।
इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ मैंने डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट टास्क विद सैम्पल आंसर, सो इनको आप देखें। एंड जिसने भी एनरोल करना हुआ ऑनलाइन क्लास में, आपके बैंड नहीं आ रहे हैं, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, तो आप ऑनलाइन बैच में एनरोल करिए। मेरे स्टूडेंट्स के 8.58 इन रीडिंग लिसनिंग, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर लेना। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं प्रॉपर आप पे अटेंशन दूंगा। 4-5 स्टूडेंट मैक्सिमम एक बैच में रखता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, सो आपकी हर वीकनेस के ऊपर प्रॉपर काम किया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप कम्युनिटी का पार्ट बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा, उतनी ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून इन द लाइव सेशन। एंड स्पीकिंग टॉपिक्स मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जो स्पीकिंग देके आए हैं रिसेंटली 3-4 दिन के अंदर, बस फिर मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा, तो बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।